भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों से ज्यादा कुछ दिनों में ही अपने विवादों को लेकर चर्चाओं में है, एक घटना को लेकर चर्चाओं में है। ये घटना 27 तारीख की रात वैशाली में घटित हुई थी, जिसके बाद कई लोगों ने समर्थन किया है खेसारी का, कई लोगों ने दुख प्रकट किया है। अभी तक फिल्म सितारों से जुड़े कई आम लोगों की जानकारी हम आपको देते रहे हैं, लेकिन हाल ही में खेसारी लाल के गुरुजी का भी एक इंटरव्यू सामने आया है, जिनके शिष्य हैं खेसारी लाल। खेसारी लाल के गुरुजी का नाम है कमलाकांत मिश्रा, जो बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और बताया है कि मेरे चेले खेसारी लाल के बारे में मैंने जब नेट पर देखा और सुना तो दिल को बहुत कष्ट हुआ कि एक सारण जिला के इकलौता वो ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है। सारण जिला को उन पर गौरव होना चाहिए, इस पर घमंड होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला बेटा है सारण का जो इतने कम उम्र में शिखर पर पहुंच गया। वो किसी भी जात का हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खेसारी पर घमंड होना चाहिए। और रही बात अश्लीलता की, तो बिहार की माटी और बिहार हमारी माता समान है। जो भी अश्लील गाता है उसे खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ क्या गा रहा हूँ। जो इसका एहसास नहीं करता वो आगे चलकर माटी में खुद ब खुद विलीन हो जाता है। खेसारी के गुरुजी कमलाकांत मिश्रा की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खेसारी पर हुए हमले के बाद से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।